साल मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ, उस हादसे में काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो इसमें नया क्या है? कश्मीर में डेली घुसपैठ होती है, वैसे तो आते हैं साले, और ऊपर से सरकार ने हमारे हाथ बांध रखे हैं। साला सामने से गोली भी चल रही हो, फिर भी सरकार से हमें 10 बार परमिशन लेनी पड़ती है कि सर जवाबी कारों में गोली चलाएं या नहीं। और सर 15 अगस्त भी तो आ रही है, आज़ादी के इस जश्न पर ये साले हर साल की तरह इस साल भी चुप नहीं बैठेंगे। इस बार ऐसी कोई घटना ना हो जिससे हमारे देशवासियों को अपनी जान गंवानी पड़े, इसलिए हमें अलर्ट रहना होगा। हमारे अलर्ट रहने से क्या होगा मेरे भाई, प्रशासन साला पता नहीं कौन सी गहरी नींदों में सोया रहता है, ना तो उसको लोगों से मतलब है ना हमसे। हेलो सर, गुलमर्ग में 200 फीट पर फायरिंग हुई है, जल्दी से अपनी फोर्स भेजो यहाँ पर। जैन सर, गुलमर्ग में कहीं हमला हुआ है, जल्दी से जाके इन्वेस्टिगेशन करके आओ। जनरल साहब का फोन है, गुलमर्ग में कहीं फायरिंग हुई है, इन्वेस्टिगेशन के लिए चलना है, चलो। तुम ही थे ना यहाँ पे? हाँ सर, मैं ही था यहाँ पर। तो बताओ क्या क्या हुआ यहाँ? सर मैं हर रोज की तरह सुबह सुबह यहाँ पर चाय पीने आया था, कि मैंने दूर से देखा तो आदमी शिफ्ट से आए और फायरिंग करके चले गए। दिखते कैसे थे वो? और हाँ, गाड़ी के नंबर नोट किए? सर नंबर प्लेट तो गाड़ी की नहीं थी, और उन्होंने अपने मुंह पूरे कपड़े से लपेटा हुआ था, उनको पहचाना पाना मुश्किल था। लेकिन हाँ सर, वो दिखने में किसी आतंकवादी संगठन से लग रहे थे। अपना फोन दे। ये मेरा फोन नंबर है, अब की बार कुछ भी हो सीधा मेरे फोन करेगा तू। चलो सर। आज का पेपर पढ़ा सर आपने? हाँ पढ़ा मैंने, 2 लोगों पर फायरिंग हुई है और दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। तो सर फिर आपने क्या सोचा एक्शन लेने के बारे में? सोचना क्या है, हर बार की तरह इस बार भी हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे जब तक आगे से ऑर्डर नहीं आ जाते।
लेकिन इस ऑर्डर के चक्कर में कब तक बेगुनाह लोगों की जाने जाएगी सर, सोचिए जरा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इस देश का कानून ही कुछ ऐसा बना हुआ है। तो सर हमें परमिशन दीजिए, हम बता देंगे इन पाकिस्तानी कुत्तों को कि हिंदुस्तान के जवानों के बाजुओं में कितना जोर है। बस अब तुम सरकार के खिलाफ जाओगे। जय हिंद सर। जय हिंद। क्यों रे विक्रम, पुराने जमाने का टाइम बहुत सही था यार। साला राजा ये कभी नहीं बोलता था सबूत लो, गवाह लो और फिर हमारे आदेश का इंतजार करो। उस टाइम पे तो साला जिस किसी ने किसी के साथ गलत किया हो टांग दे देते साले को बीच बाजार में। बात तो बिल्कुल सही है सर आपकी, पर क्या करें, यहाँ का राजा ही पता नहीं कौन सी गहरी नींद में सोया हुआ है। सैनिक तो मरने मारने को तैयार है लेकिन सेनापति पता नहीं किसके आदेश का इंतजार कर रहा है। एक बार पता चल जाए साले आ कहाँ से रहे हैं फिर हम किसी के आदेश का इंतजार नहीं करेंगे, जहां मिलेंगे वही ठोक देंगे सालों को। तुम तो हो मेरे साथ? यस सर। हेलो सर, कल जिन लोगों ने हमला किया था ना वो अभी भी यहाँ से निकले हैं, अब जल्दी आ जाओ यहाँ। तू वही है ना? वही रुक मार है, वही रुक। चल चल वो आ जाओ। लगता है भाईजान वो हमारा पीछा कर रही है, गाड़ी को खींचो। सरेंडर कर दो वरना खामा खा मारे जाओगे। मैं सरेंडर करूंगा तुम्हारी मां। भाई जान अभी नहीं। तो चुप रहे साले, इन काफिरों को मैं अकेला मारूंगा। अब क्यों कायरों की तरह छुपे हो, दम है तो बाहर निकलो। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, हथियार फेंक दे वरना मारा जाएगा। हमने अगर एक बार हथियार उठा लिया तो वो मरने के बाद ही छूटेगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। आनंद जिंदा पकड़ साले को। सर इनका पता कैसे लगाएंगे? चेक कर। सर ये निकला। हाँ मेरे शेर कहाँ है? अभी तो पूरे हिंदुस्तान में धमाका कराना बाकी है। काट दिया? अभी वो लोगों को मौत के घाट उतार रहा होगा। इस कॉल को जल्दी से ट्रेस पे डाल। यस सर। और 3 घंटे में मेरे को वापस जवाब दे। जी सर। साला एक बार पता चल जाए कौन से बिल से भोग रहा है फिर बताता हूँ इसको। चल
जय हिंद। कुछ पता लगा? पता ही होगा सर। जय हिंद सर, जिस नंबर से फोन आया था उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। उसकी लोकेशन इसी फॉरेस्ट के पास की है और ये फॉरेस्ट यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। गुड जॉब। अब ये बात जनरल तक नहीं जानी चाहिए, अब ये मिशन हमारा है। क्या तुम तैयार हो? यस सर। तो सुनो, तुम में से किसी एक को दुश्मनों के बंकरों में जाना होगा और वहां पता करना होगा कितने बंदे हैं और कहां कहां छिपे हैं और साले क्या प्लानिंग कर रहे हैं। सारी इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए। तो तुम में से कौन तैयार है? मैं तैयार हूँ सर। ठीक है, जल्द से जल्द मेरे को रिपोर्ट कर। यस सर। और सुन। जी सर। अलर्ट रहना। यस सर। इतना टाइम कैसे लग गया रे? और इतना आप क्यों रहे तू? वो थोड़ी सी तबीयत खराब थी। चल लग वापस। जनाब ने कुछ काम से तुम लोगों को अंदर बुलाया है। जी जनाब। जी जनाब। और भाईजान क्या हालचाल है? बस बढ़िया, आप बताओ। जनाब ने याद किया था, अंदर जाके आते हैं। क्या हो गया भाईजान? चलो। अरे भाईजान कुछ नहीं, चलो।
भाईजान भाईजान भाईजान। इस बार हमें कैसे याद किया भाईजान? जश्न की तैयारी शुरू कीजिए भाईजान, बारूद आ चुका है। इस बार हिंदुस्तान में ऐसा धमाका करेंगे, उनके खुशी के मौके को मातम में बदल देंगे, मातम में। क्या बात है भाईजान, क्या बात है। फिर तो जनाब हिंदुस्तान में खून की नदियां बहेगी। बिल्कुल बहेगी बिल्कुल। तो जंग की तैयारी करो भाईजान, अब 15 अगस्त ज्यादा दूर नहीं। जी जनाब, इस बार हिंदुस्तान में कम से कम 50,000 काफिरों को मौत की नींद सुलाना है। जी जनाब। जी जनाब। सर, जय हिंद। वो बहुत खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं सर। जो कुछ भी सुना तूने, जो कुछ भी देखा, आराम से बता। Oh,